तो दोस्तों पूरी तरह अच्छी बात जाननी है तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी पता चल पाएगा। तो दोस्तों बात हो रही है यहाँ सनी देओल की। सनी देओल की तो गड्डी इस तरह निकल गई गदर टू से कि रुकने का नाम ले ही नहीं रही है और ब्रेक उसके हो चुके हैं ओवरऑल फेल, और फेल भी इस तरीके से हुए हैं कि भाई साहब जबरदस्त तरीके से। अब ये रैश ड्राइविंग नहीं हो रही है, यहाँ राइडिंग हो रही है और जबरदस्त तरीके से गदर वाली हो रही है। वो कैसे, तो वो मैं बताता हूँ आपको ऐसे कि सनी देओल काम कर रहे हैं इस टाइम बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर, और वो प्रोजेक्ट भी है नामी कलाकारों के भैया, जैसे जेपी दत्ता, निधि दत्ता की मूवी हो गई बॉर्डर टू, और साथ ही साथ एक ऐसी मूवी रामायण जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं नितेश तिवारी, और वो नितेश तिवारी की मूवी, और नितेश तिवारी की मूवी रामायण के अंदर भाई साहब करने वाले हमारे जय श्री राम हनुमान जी का रोल। जी हाँ दोस्तों, जय श्री राम तो बोलना बनता है क्योंकि हनुमान जी बनने वाले हैं और राम के भक्त हैं हनुमान महा, तो वो रोल अदा कर रहे हैं हमारे सन्नी पाजी। और इस रोल के लिए इन भाई साहब को अदा हुए हैं पैसे 45 करोड़, यानी 45 करोड़ की फीस जो इनको दी जाने की बात सामने आई है, जिसे नितेश तिवारी देने की बात कर रहे हैं कि भाई हम सन्नी देओल को 45 करोड़ देना चाहते हैं इनके हनुमान के रोल के लिए। तो भैया मजा तो आने वाला है। अब एक चीज देखने वाली यहाँ पे है कि ये जो एक्साइटमेंट है ना सन्नी पाजी के अंदर, ये बहुत ही हाई लेवल पर है। इन्होंने पिक्चर साइन कर ली है, इन्होंने बोल दिया कि हाँ भाई मैं ही जय श्री राम करूंगा, मैं ही श्री राम का भक्त हनुमान बनूंगा, बनना तो तय है। और इसके लिए इन भाई साहब ने जिम विम कर दिए स्टार्ट, बॉडी वगैरह जो बनानी, और साथ ही साथ एक शेड्यूल रेडी करा है कि जब तक रामायण की शूटिंग होगी तब तक कोई और प्रोजेक्ट साइन करना नहीं है और उसके ऊपर काम करना नहीं है। तो भैया ये तो है तैयार पूरी तरीके से रामायण के लिए, और फीस भी मिल रही है जबरदस्त 45 करोड़ हनुमान जी के रोल के लिए। और जो इनके फैंस है ना, वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इनका इस रोल के लिए कि भैया इस रोल के अंदर जब देखे जाएंगे हमारे सन्नी बाजी तो गदर ही ठा जाएगा। क्यों? क्योंकि वैसे भी ये देशभक्ति के लिए माहिर है, और भक्ति जहां भक्ति आ जाती है चाहे वो देश की हो या फिर वो भगवान की हो, तो उसे पूरा करने में तो हमारे सन्नी देओल कोई पछाड़ ही नहीं सकता बॉस। उसके लिए तो बस ये तत्पर रहते हैं, हमेशा हाजिर रहते हैं कि रात को 2 बजे भी फोन करके उठा लोगे ना तो मैं तो भैया बॉर्डर पे बंदूक लेके पहुंच जाऊंगा और गोलियां मारनी शुरू कर दूंगा, और भक्ति के लिए बुला लोगे तो जय श्री राम जय श्री राम। तो भैया ये तो रामायण की बात हो गई डन, कि रामायण के अंदर आ रहे हैं हमारे सन्नी पाजी, हनुमान जी का रोल अदा कर रहे हैं, और मोटी फीस यानी 45 करोड़ की फीस इनको ऑफर करी गई है। इन्होंने डन नहीं कराया अभी, उसे ऑफर करा गया है कि हम आपको 45 करोड़ रुपए देना चाहते हैं, यानी ये फीस ऊपर नीचे भी हो सकती है। वैसे नीचे का तो मतलब बनता नहीं है बॉस, फीस जाएगी ऊपर ही क्योंकि पिक्चर भी तो ऊपर जाने वाली है भाई। रामायण आ रही है और रामायण के अंदर कलाकार है राम जी, और राम जी जो हमारे हैं वो रणवीर कपूर, और साथ ही साथ साई पल्लवी सीता के रोल में दिख रही है, और भैया यश दिख रहे हैं हमारे रावण के रोल में, यानी सुपरस्टार यश जो साउथ के जबरदस्त KGF है हमारे, वो दिखेंगे रावण के रोल में। भाई उनकी पर्सनैलिटी भी बड़ी जबरदस्त लगती है। वैसे कहा ये जा रहा था कि रावण के रोल में यश ने मना कर दिया था कि मैं नेगेटिव रोल अदा नहीं करूंगा, बट भैया वो राजी हो गए हैं कि बॉलीवुड में डेब्यू कर जाएंगे जबरदस्त तरीके से और मजा आ जाएगा। वैसे मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं यहाँ पे कि एक साउथ की मूवी और है जिस पर हमारे सन्नी पाजी काम करने जा रहे हैं, और उस मूवी के लिए इनको ऑफर हुई है 75 करोड़ की। जी हाँ दोस्तों, वो मूवी कौन सी है उसका नाम अभी सामने नहीं आया है, बट 75 करोड़ रुपए फीस का ऑफर हुआ है हमारे सन्नी पाजी को, यानी ये समझ लो सन्नी पाजी की तो निकल पड़ी है। किस तरह से निकल पड़ी है ये आप और मैं देख ही रहे हैं भैया। हर शुक्रवार हर सुपरस्टार या हर कलाकार के लिए बहुत बड़ा दिन होता है, और इस साल यानी 2023 के 11 अगस्त का जो शुक्रवार था उसने सन्नी देओल की किस्मत को जो यूं हो गई थी उसे यूं पलट डाला कुछ पल के अंदर, और वो इस तरह पतली है कि भैया अब तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इनके पास आ रहे हैं। जहां ये परेशान थे कि बॉलीवुड इनको बिल्कुल भूल चुका था, अब ये खुश हैं कि सिर्फ बॉलीवुड इन्हें ही याद रख रहा है और सभी कलाकारों को भूल गया। भैया याद रख तो अब बनता है ना, क्योंकि जबरदस्त काम जो कर रहा है हमारा सन्नी पाजी। और शेर है पंजाब का ऐसे ही थोड़ी है हल्के में लोगे क्या, एक शेर है सब पे भारी है, एक सिख 1.25 लाख पे भारी होता है, एक सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। भैया ये वही बंदा है, चाहे गदर हो चाहे बॉर्डर हो चाहे द हीरो हो, कोई सी भी मूवी हो इसकी, कोई सी भी मूवी उसमें ये अकेला बंदा काफी है, और अकेला ही धमाल मचा जाता है कमाल मचा जाता है। तो ये तो देखने को मिलेगा आप हमें रामायण के अंदर। वैसे मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि सनी देओल की बहुत सारी मूवीज की छड़ी लगी हुई है जिसके अंदर वो काम करने जा रहे हैं कई बड़े कलाकार के साथ, जिसमें सन ऑफ सरदार 2 तो आप लोग जानते ही हैं, जिसमें हमारे अजय देवगन के साथ, यानी एक जगह एक्शन होगा और दूसरी जगह भी एक्शन ही होगा क्योंकि भैया ये दोनों एक्शन करने में माहिर है, और जब दोनों टकराएंगे तो बॉम्ब ब्लास्ट जबरदस्त तरीके से होगा भैया। ये समझ लो पूरा क्या पूरा मजा आ जाने वाला है, फुल पैसा वसूल पिक्चर होगी जहां अजय देवगन के फैंस अजय देवगन
इंतजार कर रहे हैं बहुत बेसब्री के साथ, वहीं हमारे सन्नी देओल के फैंस भी बिल्कुल बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं हमारे सन्नी पाजी का। और ये इंतजार बनता भी है भैया, काफी टाइम बाद उनके ऊपर ये बहार छाई है और ये बहार अब कब तक रहेगी ये तो देखने वाली बात होगी। ये तो जनता जनार्दन ही जानती है क्योंकि आप लोगों के हाथ में है सब कुछ, चाहे वो सन्नी हो, चाहे वो अजय हो, या शाहरुख खान हो, या सलमान खान हो, एवरीथिंग एवरीवेयर सिर्फ और सिर्फ जनता ही जनता है जो डिसाइड करती है कि क्या करना है, किसे ऊपर चढ़ाना है और किसे नीचे लाना है। तो भैया इस टाइम तो निकल गई है सन्नी बाजी की। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सन्नी बाजी है ना, अब जहां दो दो चार चार करोड़ के अंदर पिक्चर साइन कर रहे थे, अब ये मोटी फीस के अंदर तो पिक्चरें कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इनकी डिमांड मार्केट के अंदर बढ़ गई है। यानी बॉलीवुड की जो मार्केट है ना, उस मार्केट के अंदर एक प्रोडक्ट बिक रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ सन्नी देओल। यानी हर कोई डायरेक्टर, हर कोई प्रोड्यूसर सिर्फ और सिर्फ हर दुकान पे जाकर ये कहता है कि भैया मुझे सन्नी देओल चाहिए अपनी पिक्चर के अंदर, चाहे उन्हें लीड हीरो में लो, चाहे उन्हें विलन के अंदर लो, चाहे उन्हें एक छोटा सा रोल दो, बट सन्नी देओल होगा तो पिक्चर में मजा आएगा, अदरवाइज कोई मजा नहीं आने वाला। तो भैया सन्नी देओल तो चाहिए ही चाहिए, तो इसी वजह से इन भाई साहब के भी बहाव अप हो गए हैं। वैसे मजा तो आने वाला है क्योंकि सन्नी देओल की बॉर्डर 2 भी आने वाली है, और बॉर्डर 2 के अंदर भाई साहब ये वो वार सीन दिखाने वाले हैं जो आज तक किसी भी मूवी के अंदर नहीं हुआ, और 1971 की जो भारत पाकिस्तान का युद्ध था उसको दिखाया जाएगा। तो भैया मजा तो जबरदस्त तरीके से आएगा। वो जानते ही हैं हम के पुरानी टीम का मेंबर कोई नहीं होने वाला, सारे नए कलाकार होने वाले, और जो नए कलाकार है ना उन पे से भी अभी पर्दा हटा नहीं है, कुछ पे से पर्दा हट रहा है, कुछ के लेके प्रेडिक्शंस किए जा रहे हैं, बट इतना तो डिसाइड है कि सन्नी बाजी तो उसके अंदर है ही, और इस बार पता नहीं क्या क्या उखाड़ के फेंक डालेंगे पाकिस्तान का। भैया हमें तो ऐसा लग रहा है कि कहीं लाहौर पे ही कब्जा ना कर डाले ये बंदा, तो इतना तो डन है पिक्चर सुपर डुपर हिट होने वाली है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि रामायण को लेकर जो हमारे हनुमान जी का रोल अदा कर रहे हैं ये सन्नी बाजी, ये कितना जबरदस्त होने वाला है। और इसी के लिए वेट करते रहिए आप लोग बस पिक्चर की जो शूटिंग स्टार्ट होने वाली है उसको लेकर, क्योंकि पिक्चर की जब शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी तब असली बात तो सामने बाहर निकल के जब ही आएगी, अदरवाइज और नहीं आने वाली। तो भैया आप लोगों से तो मैं यही पूछना चाहूंगा कि भाई सन्नी बाजी के रोल तो आपने बड़े खतरनाक खतरनाक देखे ही हैं, शेर है ये, दहाड़ इसकी हर जगह सुनी है, हर पिक्चर में सुनी है, बट इस पिक्चर के अंदर भी दहाड़ तो होगी, बट वो श्री राम के लिए होगी, और श्री राम के मतलब श्री राम के बचाव में होगी, श्री राम के प्रभु भक्ति के प्रति होगी कि भैया जो श्री राम से पंगा लेगा उसका तो सफाया मैं कर डालूंगा। तो भैया हनुमान जी के रोल में आ रहे हैं हमारे सन्नी बाजी, उसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या लगता है इस रोल के अंदर भी ये गदर मचा डालेंगे, या ये वाला रोल इनके ऊपर फीका पड़ जाएगा, या फिर इस रोल को लेकर ये आगे आने वाली जितनी भी मूवीज होने वाली है, यानी रामायण से रिलेटेड महाभारत भी बन रही है तो उसके अंदर भी इन्हें कुछ जबरदस्त सीन्स दिए जा सकते हैं, जबरदस्त काम दिया जा सकता है या नहीं, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और हाँ, चैनल पर नए आए हो तो बॉस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और देखते रहो छोटा मुंह बड़ी बात, क्यों, क्योंकि इसी पे देखने को मिलेगी आपको सारी रात और सारी बात। तो भैया रेडी रहिए और सारी खबरों के लिए, आता रहूंगा मैं लेकर जबरदस्त बम धमाके वाले फ्यूजन्स, तो देखते रहिए छोटा मुंह बड़ी बात।